हेलो एंड वेलकम टू डीप पॉइंट। खैर अभी तक आपको पता नहीं लगा तो मैं बता देता हूँ कि विराट इज़ गोइंग टू स्टेप डाउन एज द T20 कैप्टन आफ्टर द वर्ल्ड T20। खैर सबसे पहले लेट्स जस्ट लुक एट द फैक्ट्स। फैक्ट ये है कि टिल द वर्ल्ड T20 ही इज़ गोना कंटिन्यू, ही विल बी द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम। वर्ल्ड T20 ख़त्म होते ही विल रिलिंक्विश दैट पोस्ट, बट ही कंटिन्यूज टू बी द 50 ओवर एंड टेस्ट कैप्टन्स। तो दीज आर द फैक्ट्स। नाउ माई ओपिनियन अबाउट दिस। खैर एक तरफ से आई एम काइंड ऑफ रिलीव टू अ सर्टन एक्सटेंट के क्योंकि इतना कुछ चल रहा था, देयर वाज सो मच ऑफ नॉइज अबाउट यू नो लीकेजेस कि कौन क्या कह रहा है, र्यूमर्स, स्पेक्यूलेशन क्या होगा नहीं होगा। आई थिंक ये जो डिसीजन है विराट का विल पुट ऑल दैट टू रेस्ट। एंड हैविंग सेड दैट, यू ऑलरेडी हैव समवन लाइक रोहित शर्मा जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड एंड प्रूव्ड यू नो ऑप्शन है आपके पास। सो इट ओनली मेक्स सेंस एंड आई एम काइंड ऑफ ग्लैड दैट ही हैज टेकन दैट कॉल, विराट हैज टेकन दैट कॉल। हैविंग सेड दैट, मुझे गुस्सा भी है एज अ डाई हार्ड इंडियन क्रिकेट फैन बाय द प्रोसेस। देखिए वी ऑल काइंड ऑफ न्यू कि वर्ल्ड कप के बाद दिस डिसीजन माइट बी ड्यू डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, लेकिन जिस तरीके से दिस होल थिंग ऑफ यू नो पेपर में, न्यूज़ प्रिंट में, नॉर्मल पेपर में, सोशल मीडिया में, आई थिंक वी कुड हैव अवॉइडेड दिस। क्योंकि सामने एक महीने में आपका वर्ल्ड कप है एंड चाहे आप प्लेयर कह लीजिए, कप्तान कह लीजिए या टीम मेंबर कह लीजिए, नोबडी वॉन्ट्स कि इतना बड़ा टूर्नामेंट आप खेलने जा रहे हो उसके पहले ऑल दी स्पेक्यूलेशंस एंड थिंग्स लाइक दैट। सो आई एम ऑल्सो लाइक आई सेड थोड़ा सा गुस्सा भी हूँ, गुस्सा भी आ रहा है कि यू नो विद द प्रोसेस जिस तरीके से ये चीज़ घटा। एंड यू नो आई थिंक द इंडियन प्लेयर्स, द टीम डिजर्व्स बेटर देन दैट। एंड या सो दैट्स वन। द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग और थोड़ा सा ये सरप्राइजिंग है और आपका भी ये राय जानना चाहूँगा। जनरली क्या होता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान होता है, एक जब स्प्लिट कैप्टनसी की बात करते हैं, और स्प्लिट कैप्टनसी इज़ वेरी नॉर्मल नाउ डेज, ऑलमोस्ट एवरी टीम हैज़ दैट पॉलिसी। तो व्हाइट बॉल का कप्तान होता है और दूसरी तरफ आपका होता है रेड बॉल का कप्तान एज इन टेस्ट टीम और T20 एंड ODI। लेकिन इससे जो लग रहा है कि T20 का कप्तान अलग होगा और विराट स्टिल वॉन्ट्स टू कंटिन्यू एज अ कैप्टन ऑफ 50 ओवर्स एंड द टेस्ट मैच। नाउ हैविंग सेड दैट, आई मीन आई डोंट नो क्या आपको लगता है कि शुड विल देर बी एनी यू नो थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन विद द प्लेयर्स, क्योंकि T20 और 50 ओवर्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, काफ़ी प्लेयर्स सिमिलर हैं, तो टू डिफरेंट कैप्टन्स देयर, बिकॉज आई जस्ट गेट अ फीलिंग कि दैट माइट लीड टू सम कन्फ्यूजन। क्योंकि जनरली जैसे मैंने कहा यू जनरली हैव अ वाइट बॉल कैप्टन एंड अ रेड बॉल कैप्टन, तो आई डोंट नो आई जस्ट गेट अ फीलिंग दैट। और क्योंकि 50 ओवर जो वर्ल्ड कप है इज़ इन 2023, तो कोई भी चेंजेस करने हैं आई थिंक ये एक ही साथ में हो जाना चाहिए, इज़ वॉट माई ओपिनियन इज़। एंड आई थिंक इट्स आई थिंक इंक्लूडिंग विराट, द लीडरशिप ग्रुप एंड द अथॉरिटी शुड थिंक अबाउट इट, डिस्कस एंड टेक अ कॉल वेदर दे वॉन्ट टू टेक दिस पाथ जहाँ पे आपका सिर्फ T20 का कप्तान अलग है और 50 और टेस्ट मैच का कप्तान एक है, या यू वॉन्ट टू स्प्रेड इट और स्प्लिट इट इन टू वाइट बॉल क्रिकेट एंड टेस्ट बॉल क्रिकेट, और रादर वाइट बॉल क्रिकेट एंड रेड बॉल क्रिकेट। व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज आई पर्सनली मेरा ओपिनियन जैसे मैंने कहा कि आई थिंक द स्प्लिट आइडियली फॉर मी इज़ वाइट बॉल एंड रेड बॉल, नॉट फॉर्मेट वाइज। If you like it, if you like the video, do subscribe and share. And most importantly, do let me know your opinion कि आपको क्या लगा, और are you going through the same feelings as I do? And yeah, and do share and subscribe the video and press that bell button so you know कि कब videos आ रहे हैं आपके। So take care, bye.